Welcome back to my channel. So today we will discuss about the Tempest Swan Song by William Shakespeare. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये विलियम शेक्सपियर का आखिरी वर्क था, इसीलिए इसको स्वान सॉन्ग भी बोला जाता है, जो कि 1611 में आया था. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें. ओके, सो लेट स्टार्ट द टेम्पेस्ट. ये एक ड्रामा है जो कि 5 एक्ट्स में आया था. विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था. सबसे पहले ये लिखा गया था 1611 में और इसको शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था 1623 में. ओके, टेम्पेस्ट एक क्रेजी कॉमेडी है. प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि टेम्पेस्ट किस तरह का वर्क है, तो आंसर होगा ट्रेजी कॉमेडी. इसके प्लॉट ओरिजिनल है, मींस कहीं से भी इसके प्लॉट उठाए नहीं गए हैं, ये शेक्सपियर के खुद के अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने प्लॉट हैं. ओके, और ये जो इंस्पिरेशन माइट हैव कम फ्रॉम, यानी कि ये इंस्पायर्ड है सिल्वेस्टर जॉर्डन्स की अ डिस्कवरी ऑफ बर्म्यूडा से, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे. फेमस सीन है द शिप रैक सीन, जिसमें शिप क्या हो जाता है, डूब जाता है. ओके, तो शिप रैक सीन इसमें फेमस है, जिस पर सारा का सारा ये जो स्टोरी है, ये जो ड्रामा है, ये लिखा हुआ है. ठीक है, टेम्पेस्ट को परफॉर्म किया गया था सेलिब्रेट करने के लिए, जो प्रिंसेस एलिजाबेथ थी, जो कि जेम्स फर्स्ट की डॉटर थी, उसको उनको वहां पर उनकी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए इसको परफॉर्म किया गया था. इलेक्टर फ्रेडरिक के साथ उनकी मैरिज होने वाली थी 1630 में, तो ये इसीलिए टेम्पेस्ट लिखा गया था, ऐसा माना जाता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस योर कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है, मींस असली हकदार है जो मिलान के. ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर आते हैं मिरांडा, जो कि प्रॉस्पेरो की डॉटर है. नेक्स्ट कैरेक्टर एरियल, जो कि एक स्प्रिट है, यानी कि एक सॉल है, जो प्रॉस्पेरो की सेवक है. कैलिबन एक सर्वेंट है प्रॉस्पेरो की, और सेविज मॉन्स्टर है. अलॉन्सो किंग ऑफ नेपल्स है. एक्चुअली ये जो नेपल्स और मिलान है ना, उस टाइम जो इटली था उसके 2 रीजंस थे, नेपल्स और मिलान. इसीलिए शेक्सपियर के ज्यादातर प्लेज में हमें नेपल्स और मिलान इन दोनों पार्ट्स के बारे में जानने को मिलता है, कि जो ड्यूक वगैरह होते थे वो मिलान के या नेपल्स से होते थे. यानी कि इटली के जो 2 रीजन थे, 2 पार्ट्स थे ये नेपल्स और मिलान, तो इन्हीं पर ज्यादातर शेक्सपियर ने इन्हीं पर आधारित प्ले में लिखा है. सेबेस्टियन अलोंसो के भाई, ठीक है, जो कि किंग ऑफ नेपल्स हैं, उनके भाई हैं. एंटोनियो प्रॉस्पेरो के ब्रदर हैं, द अस्टेपिंग ड्यूक ऑफ मिलान, जिन्होंने ये एंटोनियो, इसने क्या किया था, प्रॉस्पेरो को उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था और उसको उसके राज्य से निकाल दिया था. फर्डिनेंड अलोंसो के बेटे हैं. ओके, गोंजेलो एंड ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर है. प्रॉस्पेरो इसमें प्रोटेगनिस्ट है, मीन्स मेन कैरेक्टर है. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं एड्रियन, जो कि एक लॉर्ड सर्विंग है, मीन्स अलोंसो के अंडर जो काम करते हैं. फ्रांसिस्को, ये भी अलोंसो के अंडर वर्क करते हैं. ट्रिंक्यूलो किंग्स के जेस्टर हैं, ओके, विदूषक जिनको बोलते हैं. स्टीफेनो किंग्स ड्रंकन बटलर है, मीन्स जो ड्रिंक करता है, ड्रंकन बटलर राजा का स्टीफेनो वो है. ज्यूनो रोमन गॉडेस है, जिनको मैरिज की गॉडेस माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. ओके, सो सेरेस रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर. इरिस ग्रीक गॉडेस ऑफ द सी एंड स्काई. ये तीनों गॉडेस मास्क के ड्यूरिंग दिखाई देती हैं. द टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने मास्क ऐड किया है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मास्क क्या होता है और उन दिनों मास्क को प्ले में ड्रामा में किस तरह से ऐड किया जाता था और क्यों किया जाता था. ओके, मास्टर मास्टर ऑफ द शिप मरीनर्स, यानी कि जो शिप मरीनर्स थे उनके मास्टर, और यहाँ पर बॉस्टमैन, ये भी जो मास्टर थे शिप मरीनर के, ये उनके सर्वेंट थे. ओके, सो लेट्स बिगिन. प्रॉस्पेरो इसमें फिक्शनल कैरेक्टर है और प्रोटेगनिस्ट भी है, ठीक है, द टेम्पेस्ट में. प्रॉस्पेरो एक राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है, मींस उसका अधिकार है, जिसको एंटोनियो ने अपने भाई को वहां से निकाल दिया था, और उसकी 3 ईयर ओल्ड डॉटर मिरांडा को भी, ठीक है, टू सी ऑन अ रोटन कारकास ऑफ अ बॉट टू डाई, और उनको रोटन कारकास यानी कि सड़े हुए शव की बॉट पर मरने के लिए छोड़ दिया था. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. रोटन कारकास मीन्स वहां पर मिरांडा को और उनके फादर को मरने के लिए छोड़ देता है, ठीक है. 12 ईयर्स बिफोर द प्ले बिगिंस, 12 साल पहले ये प्ले की स्टोरी इसमें बताई जाती है. प्रॉस्पेरो और मिरांडा सर्वाइव करते हैं,
ठीक है, और जो उनका वनवास होता है वे एक छोटे से आइलैंड पर बिताते हैं। वहां पर उनके साथ एक बुक होती है प्रॉस्पेरो के पास, जो कि मैजिक बुक होती है, ठीक है, और वो दोनों होते हैं। और अदर कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्ले को शुरू होने से पहले यहाँ पर जो प्रॉस्पेरो है वो एक मैजिकल स्प्रिट स्प्रिट एरियल को मुक्त कराता है अ क्लोवन पाइन, यानी कि देवदार के पेड़ के अंदर कैद होने से वो उसको मुक्त कराता है। तो इसलिए वो भी उसका वहां पर सेवक बन जाता है, स्लाव बन जाता है, और वो प्रोस्पेरो की सारी बातें मानता है। ठीक है, वो एक स्प्रिट होती है। ठीक है, आइलैंड पर जो प्रोस्पेरो है वो मॉन्स्टर कैलिबन का भी मास्टर बन जाता है। ये कैलिबन कौन है? सन ऑफ साइकोरेक्स है, ठीक है, जो कि एक दुष्ट विच थी, और वो कैलिबन को फोर्स करती है सबमिशन बाय पनिशिंग हिम विद मैजिक इफ ही डज नॉट ऑबे। ठीक है, कि अगर वो मतलब उसके नहीं आज्ञा का पालन करेगा तो वो उसको पनिश करेंगे मैजिक से। एक्ट फर्स्ट में से प्ले की शुरुआत होती है। ये जो प्ले है मेडिटेरियन आइलैंड पे स्टार्ट होता है, जहां पर एक तूफान आता है शिप के द्वारा। ठीक है, शिप पर एक तूफान आता है जिसमें वो शिप है जो अलोंसो ऑफ नेपल्स, यानी कि नेपाल नेपल्स के राजा अलोंसो को ले जाता है। उसके बेटे फर्डिनेंड भी उसमें होते हैं और ब्रदर उनका सेबेस्टियन भी उसमें होता है। ठीक है, तो जब वो ट्यूनिस से इटली जा रहे होते हैं, रास्ते में वो स्टॉर्म आता है और जो शिप है वो नष्ट हो जाता है, डिमोलिश हो जाता है, और शिप डूबने लगता है। तो जो दरबारी है गोंजेलो और एंड द ड्यूक ऑफ मिलान और एंटोनियो, ये सब उस शिप रैक में होते हैं। ओके, फ्रॉम द आइलैंड, जो आइलैंड है प्रॉस्पेरो, जो फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान है, वो उस स्टॉर्म को और शिप रैक को देख रहे हैं अपनी 15 ईयर्स ओल्ड डॉटर मिरांडा के साथ। ठीक है, मिरांडा डर जाती है, शिप्स क्रू उस शिप को देखकर डर जाती है, बट जो प्रॉस्पेरो हैं वो एश्योर करते हैं कि सब कुछ ठीक है, और वो डिसाइड करते हैं कि अब मिरांडा को उस पास्ट के बारे में बता देना चाहिए जो 12 ईयर्स पहले हुआ था, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था अपने भाई के बारे में। उसके भाई ने कब्जा कर लिया था उनके राज्य पर, तो वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब वो मिरांडा को सारी सच्चाई बता देंगे। ठीक है, गोंजेलो की हेल्प से जो प्रॉस्पेरो हैं वो प्रॉस्पेरो एक बोट में आ गए थे अपनी इन्फेंट, यानी कि जब मिरांडा बहुत ज्यादा छोटी थी, उसके साथ और अपनी बुक ऑफ मैजिक के साथ, यानी कि जब उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया गया था तो गोंजेलो ने हेल्प की थी, और प्रॉस्पेरो और उनकी एक मैजिक बुक और मिरांडा, ये तीनों एक बोट की हेल्प से वो वहां पर बच गए थे, और उन्होंने आइलैंड पर वो आए, उसको अपना घर बनाया, और यहाँ पर जो नेटिव आइलैंडर कैलिबन था उसको अपना गुलाम बनाया, और अदर इनहैबिटेंट्स जो आइलैंड पर थे लाइक जो स्प्रिट्स थी एरियल की उसको अपना गुलाम बनाया, और बस यही यहाँ पर रह रहे थे उस आइलैंड पर, होम प्रॉस्पेरो हैड रेस्क्यूड, जिसको प्रॉस्पेरो ने, एरियल कौन था, जिसको प्रॉस्पेरो ने उस ट्री पर कैद होने से बचाया था। कौन सा ट्री था वो? यस, पाइन ट्री। जब तक एंटोनियो बॉट पर पहुंचता है शिप रैक हो चुका होता है, मतलब शिप डूब चुका होता है, नष्ट हो चुका होता है। प्रॉस्पेरो होप्स फाइनली टू रेक्टिफाई हिज पास्ट, और प्रॉस्पेरो आशा करता है कि वो अपने पास्ट को ठीक कर पाए। अब जो दरबारी है शिप पर, वो उनको किसी को भी चोट ना लगी हो, लेकिन जो किंग थे, किंग कौन, यहाँ पर उनकी बात हो रही है, किंग ऑफ नेपल्स अलोंसो जो थे, वो सोचते हैं कि जो फर्डिनेंड है वो डूब चुका है। ठीक है, लेकिन जो फर्डिनेंड था वो डूबा नहीं था, वो अलग पार्ट पर पहुंच गया था आइलैंड के, जहां पर वो मिरांडा से मिलता है एंड दे इंस्टेंटली फॉल इन लव, और तुरंत उसके प्यार में वो गिरफ्त हो जाता है। एक्चुअली इंस्टेंटली फॉल इन लव कैसे होता है, क्योंकि मिरांडा ने कोई भी नवयुवक नहीं देखा था इससे पहले, और तो जो जैसे ही वो फर्डिनेंड को देखती है तो वो इंस्टेंटली फॉल इन लव वहां पर सिचुएशन हो जाती है। ओके, प्रॉस्पेरो फियरिंग डर जाते हैं अपनी डॉटर से, और वो क्या करते हैं, फर्डिनेंड को फोर्सफुली पकड़ लेते हैं। इन द मीन टाइम एरियल जो है उसकी फ्रीडम वहां पर, अपनी फ्रीडम के लिए वहां पर प्रयास करता है। वो चाहता है कि जो प्रॉस्पेरो हैं वो मुझे मुक्त कर दे। अब जो प्रॉस्पेरो हैं वो उससे प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि एरियल क्यों चाहता है कि वो उसे मुक्त कर दे, क्योंकि एरियल ने प्रॉस्पेरो को के आदेश पर वो वहां पर वो स्टॉर्म लाया था। ठीक है, और उस स्टॉर्म की वजह से शिप रैक हुआ था, तो अब एरियल भी ये चाहता है कि वो भी अपने फ्रीडम के लिए प्रयास करे। तो प्रॉस्पेरो एरियल से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसको लिबरेट कर देंगे, यानी कि स्वतंत्र कर देंगे, बस थोड़ा सा और थोड़े से और टास्क उसे करने हैं।
और ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, कि इस भरे संसार में इस तरह के लोग भी यहाँ होते हैं. द टेम्पेस्ट एक्ट 5 सीन 1 में ये बात बोली गई है. ठीक है, नेक्स्ट एक्ट सेकंड की बात करते हैं. एरियल म्यूजिक का यूज करता है जहां पर वो दरबारी है, जबकि जो सेबेस्टियन है और एंटोनियो है वो राजा को मारने के बारे में सोचते हैं कि जब वो सो जाएंगे तो उनको हम मारेंगे, वो ऐसा प्लॉट करते हैं वहां पर. तो ये जो अटेम्प्ट है उनका, एरियल उसे फेल कर देता है और जो इतने भी लोग हैं शिप के वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इधर उधर घूमने लगते हैं, उन्हें मतलब पता नहीं चलता कि हुआ क्या है. सो दूसरे पार्ट में आइलैंड के जो टिमिड कॉर्ड फूल है, एक मूर्ख है ट्रिंक्यूलो, ठीक है, वो कैलिबन को ढूंढता है. ये कैलिबन कौन है? वो जो विच थी उसका बेटा है. ठीक है, तो ट्रिंक्यूलो हाइड्स बिसाइड कैलिबन. ट्रिंक्यूलो कैलिबन के पीछे छुप जाता है. कैलिबन के साथ ये है कि कैलिबन उस आइलैंड पर अकेला वहां का नेटिव था जब मिरांडा और प्रॉस्पेरो आए थे. तो ये जो कैलिबन है ये गुलाम बना था प्रॉस्पेरो को, वो इसलिए क्योंकि इसने सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी मिरांडा को, तो तब से प्रॉस्पेरो ने इस पर इसको पनिश किया था. तो उस चीज का बदला लेने के लिए जो ये कैलिबन है ये चला जाता है शिप बटलर के पास, स्टीफेनो, जो कि एक ड्रंकर है. मींस वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, उसके पास ड्रिंक जैसी चीज है. कैलिबन ने आज से पहले इस तरह का कुछ भी देखा नहीं था. एक्ट थर्ड फोर्थ की बात करें तो स्टीफेनो, कैलिबन एंड ट्रिंक, कैलिबन के सजेशन पर प्रॉस्पेरो को मारने की ये प्लानिंग करते हैं. तो और जो स्टीफेनो है वो उस आइलैंड का लॉर्ड बन जाएगा, ऐसी ये प्लानिंग करते हैं. और उस रात ये बहुत ज्यादा ड्रंक कर लेते हैं, सेटिंग ऑफ टू द सेल टू किल प्रॉस्पेरो, और सेटिंग करते हैं प्रॉस्पेरो को मारने की. एरियल जो इस सब को पीछे से छिप के देख रहा होता है, अपने मास्टर को इस प्लॉट की जानकारी वो दे देता है, इस षड्यंत्र के बारे में वो बता देता है. प्रॉस्पेरो हैज रेलेंटेड, इसको हल्के में ले जाते हैं और ब्लेसिंग देते हैं फर्डिनेंड एंड मिरांडा की मैरिज को. मींस अब उनका ध्यान फर्डिनेंड और मिरांडा की मैरिज पर ही है. तब वो वहां पर एक मास्क का आयोजन करते हैं. ये प्ले का सबसे फेमस पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे. ये मास्क जो है प्रॉस्पेरो के द्वारा अरेंज किया जाता है जब वो मिरांडा और फर्डिनेंड की सगाई करवा रहे होते हैं. ऑफ गॉडेस एंड डांसिंग, ये मास्क होता क्या है? मास्क एक ड्रामा है. एक मास्क रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट ड्रामा, ठीक है, ये एलिजाबेथन टाइम्स से चलता आ रहा है. मेनली वहां पर क्या होता था, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस जैसी चीजें होती थी और जिसमें गॉडेस और गॉड्स को इनवाइट किया जाता था. ठीक है, इन इस मास्क का मेन फीचर होता है कि ये राइम वर्ड्स में लिखा जाता है और ऑब्जेक्टिव होता है टू सेलिब्रेट मैरिज इन हाई सोसाइटी. ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे. हो सकता है कि इस टर्म को आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होते हैं, टू सेलिब्रेट मैरिज इन हाई सोसाइटी एंड रिटन इन राइम वर्ड्स. ठीक है, और ये किसी की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर रखा जाता था. मास्क ऑफ गॉडेस एंड डांसिंग रिपर्स बिफोर ही रिमेंबर्स कैलिबन्स प्लॉट. ठीक है, अपने कैलिबन के प्लॉट को याद रखने से पहले वो वहां पर एक मास्क का आयोजन करता है. ठीक है, अब ये जो मास्क है इसमें जो गॉडेस है वो आती है. कौन कौन सी गॉडेस आती है? अपीयरेंस ऑफ इरिस, ठीक है, इरिस वहां पर दिखाई देती है जो कि गॉडेस ऑफ रेनबो है, और मैसेंजर ऑफ जूनो. ठीक है, इरिस वहां पर लॉन्ग स्पीच रखती है एंड समन्स और कुछ विचार. सेरेस वहां पर जो गॉडेस है एग्रीकल्चर एंड फर्टिलिटी की, जूनो जो कि वाइफ ऑफ जुपिटर है वो उस मास्क में आती है. गॉडेस को बुलाया जाता है ना और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो उस कपल को ब्लेसिंग करने आई है, मीन्स आशीर्वाद देने आई है जिनकी जल्दी ही शादी होने वाली है. तो वहां पर जो जूनो है वो अपने ब्लेसिंग की बारिश कर देती है. मीन्स आप ये ध्यान रखेंगे कि जो इरिस है वो क्या करती है, लॉन्ग स्पीच और समन्स देती है. सेरेस एग्रीकल्चर एंड फर्टिलिटी की गॉडेस है और जो जूनो है वो वाइफ ऑफ जुपिटर है, और वो ब्लेसिंग देती है कपल्स को और विश करती है कि वो लॉन्ग लाइफ, रिच, ऑनर, मैनी चिल्ड्रन, हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ वो रहे वहां पर. मीन्स आशीर्वाद की वो बरसात कर देती है और ये आशीर्वाद बढ़ता रहे. सेरिस जो है उन कपल को प्लेंटीफुल प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, मीन्स प्रचुर मात्रा में जो अर्थ पर सब कुछ है उनको भोगने का ब्लेसिंग वो देती है, लाइक लैडिन विद ग्रेप्स, स्प्रिंग इमीडिएटली फॉलोइंग ऑटम एटसेट्रा. ठीक है, इस तरह से वो उन पर वहां
ब्लेसिंग की बौछार कर देते हैं। इट इज वहां पर लार्ज नंबर ऑफ नेव्स मींस वो वहां पर इकट्ठा होते हैं और एक डांस परफॉर्मेंस देते हैं। तब प्रॉस्पेरो अचानक से उस स्पेक्टिकल ऑफ डांस मींस उस दृश्य को और उस सॉन्ग को रोकने का ऑर्डर देता है। फर्डिनेंड जानना चाहता है कि जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाया गया है क्या वे सुपरनेचुरल स्पिरिट्स के द्वारा था। तो वहां पर प्रॉस्पेरो रिप्लाई करता है पॉजिटिव एंड रिमार्क्स, और रिमार्क्स देता है कि ये जो सब इल्यूजन था ये किस कारण से था। अब इन चीज को आप नोट कर लेंगे, ये मेन हो जाते हैं क्या क्या, द क्लाउड कैप्ड टावर्स, ठीक है, आसमान को छूते हुए टावर, गॉर्जियस पैलेसेस एंड सॉलम टेम्पल्स, ठीक है, इन सबको वो इस तरह से उसको पॉजिटिव रिमार्क देता है। और ये जो इल्यूजन था इस इल्यूजन के बारे में कहता है कि अर्थ अपने आप में एक खत्म होने वाला, एक नष्ट होने वाली चीज है, और इस जो ये अर्थ है इस पर कोई भी सदा के लिए नहीं है। इज राउंडेड ऑफ विद अ स्लीप मीन सबको यहाँ पर एक दिन सो जाना है। तो इस तरह की जो रिमार्क है वो प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को आंसर में देता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये जो है किस तरह से शेक्सपियर से रिलेटेड है ये रिमार्क। प्रॉस्पेरो एंड एरियल तब एक जाल बिछाते हैं, वो जो थ्री प्लॉटर्स थे कौन कौन थे, ट्रिंक्यूलो, स्टीफेनो, है ना, एंड कैलिबन, तो उनको पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं और वहां पर क्लॉथ्स को टांग देते हैं, ठीक है, वो किस तरह के क्लॉथ्स होते हैं वो चेंज करने के, उनको उलझा देते हैं वहां पर, ठीक है, तो उनको वहां पर उलझा देते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो क्लॉथ को टच करते हैं तो वहां वो जो डॉग के भेष में, जो डॉग के भेष में आत्माएं होती हैं वो उनका पीछा वहां पर करने लगती हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, तो हम इस तरह के स्टफ हैं जहां पर सपने बुनते हैं। द टेम्पेस्ट एक्ट 4 सीन 1 की ये लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्ट 5th की बात करते हैं, एरियल यहाँ पर जो कॉर्टियर्स हैं, जो दरबारी हैं, जहाँ प्रॉस्पेरो अनाउंस करने वाला था मैजिक और अपने आप को रिवील करने वाला था वहां पर बुलाते हैं। अब वो बदला लेने के बजाय वहां पर फॉरगिव यानी कि क्षमा मांगता है और अपने ड्यूकडॉम को वापस लेने का वहां पर कहता है, ठीक है। जो फर्डिनेंड और मिरांडा है वो वहां पर क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, शादी हो जाती है उनकी। सेलर्स वहां आते हैं और अनाउंस करते हैं कि आप शिप सेफ है, ठीक है। ये सेलर्स कौन होते हैं, जो वो मास्टर थे ना, मरीन मास्टर, उनके बारे में बोला गया है और बताते हैं कि शिप सेफ है। अब प्रॉस्पेरो जो है वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करता है और एरियल को वहां पे क्या करता है, कैलिबन को दंड देता है और एरियल को फ्री कर देता है। अब जो ये प्ले है ये एंड होता है सेलिब्रेट दियर रीयूनियंस, और वो अपनी एकता का सेलिब्रेशन मनाते हैं। प्रॉस्पेरो ऑडियंस से वहां से जाने के लिए अनुमति मांगता है, ठीक है। ये था टेम्पेस्ट। तो लास्ट में जो प्रॉस्पेरो है वो ये कॉट बोलता है, लेट योर इंटेलिजेंस सेट मी फ्री, ओके। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन चीज, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है कि वो शेक्सपियर से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर ऐसा माना गया है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा कि ये जो कॉट है ना, लेट योर इंटेलिजेंस सेट मी फ्री, कि अपनी कृपा से मुझे मुक्त कर दो, ये द टेम्पेस्ट में एक्ट 5th में कही गई है, ठीक है। और ये एक एपिलोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेम्पेस्ट में एपिलोग भी बोला गया है, ठीक है। तो अब प्रॉस्पेरो की स्पीच की यहाँ पर हम बात करते हैं। प्रॉस्पेरो स्पीच देता है, ये जो टेम्पेस्ट में ऐसा माना जाता है कि जो शेक्सपियर का लास्ट प्ले था ना, ये उन्होंने अकेले लिखा था। और कुछ क्रिटिक्स तो ये भी मानते हैं कि ये शेक्सपियर का रिटायरमेंट स्पीच थी, ठीक है, जो उन्होंने टेम्पेस्ट में बोली थी, ये उनकी रिटायरमेंट, वो खुद से रिटायर कर रहे थे, इसीलिए इसको स्वान सॉन्ग माना जाता है, ठीक है। और एंड में वो वहां पर रिवील भी करते हैं कि जितने भी स्पिरिट्स हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, है ना, वो सब हवा में मिल जाएंगी, और जो भी विजन हम देख रहे हैं, क्लाउड कैप्ड टावर्स, ये आसमान को छूते हुए टावर्स, गॉर्जियस प्लेसेस, है ना, सॉलम टेम्पल्स और द ग्रेट ग्लोब इटसेल्फ। तो इस लाइन से आपको ध्यान रखना है, मे बी कि एग्जाम में आ जाए कि ये किस प्ले में शेक्सपियर ने बोली है। वैसे तो हम यहाँ पर एज्यूम कर पाएंगे इसको, ये जो द ग्रेट ग्लोब है यहाँ पर क्रिटिक्स का ये मानना है कि शेक्सपियर ने इस टेम्पेस्ट में अपने ही थिएटर का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। तो ये लाइंस आप
अच्छे से रीड कर लेंगे. वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स, ही तो पूछी भी गई थी प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है. तो इनको यहाँ पर डालने का मेन मोटिव यही था कि जो द टेम्पेस्ट है उसमें शेक्सपियर ने एक एपिलोग डाला है. ये जो लाइन्स है, द क्लाउड कैप्ड टावर्स, ये ध्यान रखेंगे एक्ट फोर सीन वन की लाइन्स है. और फाइनल सॉरी लकी एंड एपिलोग जो उन्होंने बोला था, किसने? प्रॉस्पेरो ने. लेट योर इंटेलिजेंस सेट मी फ्री, उसी में ये लाइन आती है. वो अपने आप के बारे में बताते हैं. और जो नेपल्स है ना, जो किंग ऑफ नेपल्स थे उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं, ठीक है. तो और फिर वहां से जाने की वो अपनी अनुमति मांगते हैं. तो ये सब लाइन शेक्सपियर ने यहाँ पर बोली है अपनी फाइनल सॉलिलॉक्वी में, जो कि एक एपिलॉग भी माना जाता है. प्रॉस्पेरो ने ये लाइन्स बोली हैं, इसीलिए क्रिटिक्स ने ये माना है कि ये लाइन्स शेक्सपियर ने अपने लिए बोली हैं. आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है. आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. ओके.